पहले पांच रखे फिर चार कर दिए फिर सारा खा गए हम लोग लालच जाग रहा था हम लोगों के बोले कि आधा आधा बात कर खा लेते तारा खा गए बेचारी दो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। बहुत दिनों बाद ऐसे ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज रचना का एग्जाम है। एक दिन मेरा होता है, एक दिन इसका होता है। इसका तो और एग्जाम का अनएक्सपेक्टेड था यार, इतना बढ़िया जाएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जाम गए, अभी हमको सोचने लगे थे इसलिए बोलना बंद कर दिए। और अभी हम ब्रश करके आए हैं और उसके बाद नाश्ता करेंगे कुछ, नहीं तो पहले नहाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। और अभी इसका कपड़ा निकाल, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, वो इसलिए क्योंकि पानी वाला नीचे में आया हुआ है। और यहाँ का मौसम दिखाते हैं। हाँ, मन लगने लगा है क्योंकि सब कुछ जानने लगे ना, इस वजह से बहुत मन लगने लगा। हाँ दिखाते हैं बाहर का मौसम गाइस। देखो पूरा हरियाली हरियाली है, वाह कितना खूबसूरत। और ये सब जो बगल में घर है ना, वो सब बनने ही वाला है, उधर सब बना हुआ है। हाँ अच्छा लग रहा है। बारिश के कारण सारा कपड़ा यहीं पे सूख रहा है। और इधर रहा हम लोग का रूम जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसको थोड़ा सा अभी ठीक करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तहस नहस हो रखी है जब से सो के उठे हैं। बेड वेड ठीक नहीं किए हैं तो बेड ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं कुछ देर बाद गाइस। आप देख सकते हो नहा। सो गाइस अभी हम नहाने वाले हैं। सो नहाने के लिए मेरा कपड़ा निकल चुका है, देख सकते हो। आज हम ये वाले पहनने वाले हैं, ये वन पीस और जीन्स, ठीक है, ये पहन के जाएंगे आज एग्ज़ाम देने। और मेरे हाथों की नेल पॉलिश इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कुछ कहने के नहीं, थोड़ा बहुत कलर ही मिटाई थी। और आज ना कलर करके जाएंगे, मज़ा आएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे ना, हम इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ डालते रहते स्टोरी वगैरह में, तो लोग बोल रहे थे तुम एग्ज़ाम में इतनी खुश क्यों हो, तो हम तो भैया हमेशा ही खुश रहते कभी नहीं सीरियस होते हैं लाइफ में, आज तक हुए ही नहीं हुए। सो गाइस फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। और मैं आज का आउटफिट आप लोग को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ तो जो हम दिखाए थे वही सेम पहने हुए देख सकते हो। और अभी तक दीदी नहीं है क्योंकि अभी दीदी नहा रही है, तो अब तो हम खाना खाएंगे, नीचे जाएंगे खाना खाएंगे और निकल जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। 11:30 बज रहा है, सो अब हम निकलने वाले हैं क्योंकि 1 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, 15 मिनट पहले ही कॉपी मिल जाता है इस वजह से। वो हमको लगा तुम नहाने चली गई, तुम अभी तक नहीं नहाई, जा रहे हैं तो जा रही अभी ये नहाने के लिए। और हम बहुत धीरे बोल रहे हैं ना, अभी हमको पता है दीदी हमको ना सब देख रहा है ठीक है गाइज, हम ना मिलेंगे 5 बजे जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब। तो गाइज हम पूजा पाठ करके आ चुके हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। रचना चली गई है और आएगी शाम में तो बिलवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रूही कुमारी पढ़ रही है, मैथ्स बना रही है ना रूही। इसकी मैम बोलती है कि गर्मी में भी बैठ के पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इतना होमवर्क देती है कि बेचारी परेशान बच्ची ना। गाइस मैं आ चुकी हूँ फाइनली एग्जाम देकर बहुत घंटे बाद, और रोड से जब आ रहे थे रूही हल्ला कर रही थी, रचना दीदी हम समझ गए ये मेरा इंतजार कर रही है ना। हाँ और हम लोग पता है क्या किया ये ना वो लाई थी खाने के लिए कटकटिया और लाई, फिर बहुत सारा लाई थी, बहुत सारा किलो थे, सब खा लिए। और इसकी मम्मी बोली थी ना, भाभी बोल रही थी कि थोड़ा सा मेघा के लिए रख दीजिएगा। फिर मेघा दीदी के लिए 4 रखा, पहले तो 5 रखा था, फिर बोले कि 5 रखे फिर 4 कर दिए, फिर सारा खा गए हम लोग, लालच जाग रहा था हम लोगों के, बोले कि आधा आधा बात कर खा लेते तारा खा गए बेचारी दो खाई, 4 बचा था तो हम बोले दो दो बांट लेते हैं, तो ये बोली नहीं भगवान भी माफ नहीं करेंगे दीदी ऐसा मत करिए, छोड़िए रे तो वो भी खा जाते। कट गई तो फिर 4 बजा तो 4 दीदी को दे दी और लाइट ही कट, 4 खाए तब को इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं अभी भी तब का मन नहीं भरा है, अभी भी मन नहीं भरा, कल फिर लाएगी रोही स्कूल से। अगर हमारा बच्चा है तो एक पन्नी खा जाओ, 2 पन्नी बहुत टेस्टी लगता है वो खाने में। और दीदी अभी लापता है और बस हम दोनों हैं, थोड़ा सा फ्लैश लाइट जलाते हैं, बस हम दोनों हैं, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई और बिजली देवी भी चली गई जो भी थी, गया हुआ है,
कहाँ गया वो पता नहीं। तो हम नीचे और बिजली देवी जो थी वो भी गई। और आज हम सोच रहे मंदिर नहीं जाने का, बहुत पैर हाथ दर्द कर रहे, टांग में बहुत जोर से दर्द उठ गया, टंगड़ी दुखा रहा है गाइस, टंगड़ी जब वेरी 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 दुखाई। क्यों, वाह क्या अंग्रेजी है तुम्हारी, सैल्यूट है इस अंग्रेजी। वाह रचना जी वाह, क्या बात है। और लोग बोलते हैं इसको सिखाती हो, कुछ नहीं सिखाते वो खाते हैं, ठीक है सबको सिखा देगी क्या रोही। हाँ, और ये रचना जी जो है तब दिन इतना तंगड़ी ये दर्द करता है, रत्ता का अंदाजे नहीं रहता है, किधर ते गए वो दिग्गे नहीं रहता है, लोग केतन पूछती है फोन करके, हम दिल्ली रस्ता जी थोड़ा ले केतन भेजो, हमको रत्ता नहीं पता, तुमको ले जाएंगे कल से ठीक है। लोकेटर भेजने का इतने अच्छी, तो हम अकेले स्कूल जा सकते तो ते। तुम नहीं जाती हो अकेले स्कूल, जाते नहीं है लेकिन जाते नहीं है लेकिन जा सकते हैं। कैसा हो गया मेरा बाल, बाप रे देखो पुतनी, भुतनी तो बना ही दूंगी चुड़ैल, लोग डरेंगे हम भाईयो ये ले। तो अभी इसकी मम्मी बना रही है मैगी, तो अभी हम लोग मैगी खाने वाले हैं ना, और दीदी का कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं दूसरे अंगना गई है। हाँ, और हमारा मन तो अभी भी कर रहा है कि पूरा थैला ही टाप कर दूं कटकटिए का, हम लोग को पाप लगेगा पाप। इसकी मम्मी बोलती आधा छोड़ दीजिए अमेरिका के लिए, पर हम लोग चार, हम लोग को चैन रही है, सोच रहे थे दो दो बांट ले, लेकिन वही छोड़ दीजिए भगवान, मजबूरी में छोड़ रहे, नहीं तो वो भी खा ही जाते, बर्दाश्त क्षमता हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है बर्दाश्त। हाँ, जितना मिले तब खा जा, हाँ सब खा जा, वो तो खींची तरह बर्दाश्त करके जानी, तो बुरा की बेचारी को चार खिला दिया, नहीं तो वो भी चार नहीं रहता, पता नहीं रचना दीदी के लिए मैं जाऊंगी नींबू पानी बनाने, इतने 8 ग्लास पीनी है, तो मैं बड़े ते टोपिए में बनाऊंगी, 5-5 ग्लास हम दोनों पियेंगे, ये पिएगी 8 ग्लास, आधा डिब्बा इलायची दाना खाई है, हम दोनों पियेंगे ना 5-5 ग्लास, और तो और रचना दीदी 5 मुट्ठी खाई है, 7वीं मुट्ठी खा रही है, सातवीं मुट्ठी खा रही है, और बहुत चालाक है ये, इन्हें देती रही है चुपके चुपके थे हवे तक खा लेती है 8-8 मुट्ठी, और फिर 8-8 ग्लास दरबत, बाप रे इतने डायबिटीज होना निश्चित है। लड़ाई फंसा ठीक है। तो गाइज आज है नेक्स्ट डे, और आज मेरा एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। अब हम मेरा एग्ज़ाम है 18 को, उससे पहले अगर प्रैक्टिकल होना होगा तो होगा, नहीं तो उसके बाद होगा, तो हम लोग को यहाँ अभी तक बहुत दिन तक रहने वाले हैं। आता है बोलने, अरोही यहाँ पे पढ़ रही है, अपना डिग्री पढ़ती है, थोड़ा बहुत जो नई क्वेश्चन बनता है हमसे पूछ लेती है, बता देते हैं, और पढ़ते रहती है, अच्छी बच्ची है। और इधर रचो, इसका एग्ज़ाम आज नहीं था, इसका एग्ज़ाम कल नहीं परसों है, क्योंकि कल संडे है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, छोटी छोटी सी ब्लॉग आएगी, और ज़्यादा नहीं बना पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो बात करने में समझो दिन से रात कर देते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।